जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। सबोपदेश की 11 अध्याय का 7 से लेकर 9वां वचन तक। उजियाला मन भावना होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारा से दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों को महान रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सुलेमान अपने जीवन में अनुभवों को नीति वचन में और सबोपदेशक में बहुत सी बातों के बारे में वो कहता है, और यहाँ पर खास करके जवान लोगों के लिए सलाह देता है। ये जवान, तू अपने जवानी में मौज मस्ती करो, आनंद करो, अनुभव करो। ये परमेश्वर की दया से तुम्हारे लिए दी जाती है। परमेश्वर ने इस जीवन में उस सारे बातों का अनुभव करने के लिए उन्होंने अनुग्रह दी है, और उन्होंने हमारे जीवन में इस प्रकार की अनुमति दी है। जब तक परमेश्वर की दया नहीं है, तब तक ये सारे आशीषों को, सारे मौज मस्ती को उस पर अनुभव या उसकी आनंद आप उठा नहीं सकते हैं। तो आखिर में वो क्या कहता है, उसमें तुम सावधान रहना है। यानी इसको कहने के लिए कहता है, तुम जो कुछ करोगे, आनंद मनाओगे, मौज मस्ती करोगे, सभी बातों में आखिर में परमेश्वर उन सभी बातों में तुम्हारे लिए न्याय करने वाले हैं। तुम न्याय के सामने, सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यार, आज आपका माँ बाप आपको नहीं देख रहे हैं। आप YouTube में क्या देख रहे हैं, आप WhatsApp में क्या देख रहे हैं, Facebook में क्या देख रहे हैं, और इंटरनेट में क्या देख रहे हैं। आपको लगता है मैं अकेला हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। सावधान रहे, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। परमेश्वर की आंखों के सामने कुछ चीज छिपा हुआ नहीं है। और एक बातें करना है, आप परमेश्वर के पास आने के लिए कभी भी विलंब नहीं करना है। आज ही उस दिन है, उद्धार का दिन है, आज ही परमेश्वर के पास आने का दिन है। इसलिए कभी भी लापरवाही नहीं करना है, कभी भी परमेश्वर के पास आने के लिए कम बहाना नहीं करना। परमेश्वर अभी सभी बातों को न्याय करने वाला है। इसलिए आपके पढ़ाई में प्रभु आशीष देना हो, आपके बिजनेस में आशीष देना हो, आपके सारे काम में सफलता पाना हो, आपके जीवन में आगे बढ़ना हो, तो परमेश्वर के लिए सही वक्त पर अभी चले आने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया।